हेलो, वेलकम टू लर्न विद एक्सपेरिमेंट। मैं उस आज की हम देखेंगे कि जब केले के गाछ में लाइन देते हैं तो इसके साथ क्या होता है, क्या इसे करंट पास होता है या नहीं होता है। तो यही देखने के लिए आप हमारे से वीडियो का आखिरी तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस केले के गाछ में लाइन देंगे। तो डायरेक्ट लाइन नहीं देके लाइन के बीच में एक हम बल्ब लगा देंगे। अगर इससे करंट पास करेगा तो ये बल्ब मेरा जल जाएगा, और इससे करंट पास अगर नहीं करता है तो मेरा बल्ब नहीं जलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पेड़ में जो एक कील लगा देते हैं, देखिए बहुत बड़ा कील है अच्छे, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहिए अगर ये करेगा तो। और दूसरा सिरा क्या करते हैं, इसको हम लाइन में कनेक्ट कर देते हैं और बीच में बल्ब को अच्छे से लगाते हैं। अगर ये बल्ब जलेगा इसका मतलब इसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। तो इस बल्ब को हम कोई भी अलग से ग्राउंड नहीं दिए, तब हम क्या करते हैं, जो इसका प्लस वायर उसमें हम सीधा इस बल्ब को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ग्राउंड जो है इसको केले से मिल जाएगा अगर इसमें करंट पास करता है तो। तो हम इसको कनेक्ट करते अच्छे से, और इस प्रकार से देखिए बल्ब में कोई भी रिएक्शन नहीं है। यहाँ देखते यहाँ तक करंट पहुँचा या नहीं पहुँचा, तो यहाँ देखिए टेस्टर जल रहा है, और यहाँ देखिए बल्ब थोड़ा सा भी नहीं जला, यानी इसके से जो है थोड़ा सा भी करंट पास नहीं करा इस पेयर से। और देखिए कहीं पर भी टेस्टर नहीं जला, बस जहाँ पर किले वहाँ टेस्टर जल रहा थोड़ा सा, धूप के वजह से ज़्यादा क्लियर कैमरे में पता नहीं दे रहा होगा। तो दोस्तों, इस 100 वाट वाले बल्ब में कोई भी रिएक्शन अभी तक हमको नहीं पता चल पाए, तो हम क्या सोचते हैं कि थोड़ा यहाँ लो पावर वाला बल्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे हम 9 वाट का बल्ब लगा के देखते, अगर थोड़ा सा भी करंट पास करेगा तो ये जो बल्ब है मेरा जल जाएगा। तो यहाँ पे बल्ब दूसरा लगा के चेक करते हैं। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, ये वाला बल्ब लगा दिए जो कि 9 वाट है। तो अब देखते हैं कि थोड़ा सा इससे करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार देखिए, ये 9 वाट का जो बल्ब वो अच्छे से जल रहा है, और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे टेस्टर जो है वो नहीं जल रहा है, क्योंकि इसे थोड़ा थोड़ा इसमें करंट पास करा जितना इस बल्ब को चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख लिए केले के पेड़ में ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसे थोड़ा बहुत करंट पास कर रहा था। जैसे इसमें हाई वाटेज का बल्ब लगाए थे तो वो थोड़ा सा भी नहीं जला था, और जैसे लो वाट का बल्ब लगाए तो ये जलने लगा। तो अब हम क्या करते, यही एक्सपेरिमेंट और भी पेड़ के साथ करते, देखते हैं किस किस पेड़ में कितना करंट सप्लाई हो रहा है। तो अब हम सेम एक्सपेरिमेंट को आमदूर के पेड़ के साथ ट्राई करते, देखते हैं इसमें कितना करंट सप्लाई हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें हम कनेक्ट करते हैं, और यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ बल्ब ग्लो हुआ, केला में जितना ज़्यादा ग्लो हो रहा था उतना ज़्यादा इसमें नहीं होती। इसका पीछे भी एक कारण है, केला में जो नमी बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ आमदूर में देखिए बहुत कम नमी होता है, जिस वजह देखिए करेंट बहुत कम सप्लाई हो रहा है, और ये बल्ब जो है बहुत कम जल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक आप देख लिए कि किस टाइप से पेड़ में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इससे हमको ये पता चलता है कि कहीं भी अगर बिजली के तार में कोई भी पेड़ टच हुआ तो उसको हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा करंट आ सकता है। यहाँ 220 वोल्ट था तो देखें कि इतना बल्ब जल रहा था, जहाँ 11000 का तार सटा हुआ होगा वहाँ बहुत ज़्यादा इसमें वोल्टेज है और बहुत ज़्यादा करंट मार देगा अगर इसको हम टच करते हैं तो। तो फिलहाल आज के इस एक्सपेरिमेंट इतना ही। इसी टाइप का एक्साइटिंग देखने के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिए, हम इसी टाइप का वीडियो लाते रहते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा, इसे लाइक कीजिए, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।